हेलो चिल्ड्रंस, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.4। 4.4 में आपको दिया है लुक एट द फॉलोइंग लेटर्स एंड आंसर द थ्री क्वेश्चन। आपको थ्री क्वेश्चन दिए हैं, ए बी और सी, उसका आपको आंसर बताना है। तो क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। विच ऑफ द अबव लेटर्स आर मेड ऑफ, आपको जो लेटर्स दिए हैं एफ ओ बी एस क्यू सी एल एक्स वी डी पी, ये सब आपको लेटर्स दिए हुए हैं, वह कौन से लाइंस में हैं ये आपको बताने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया आपको स्ट्रेट लाइंस ओनली, आपको जो स्ट्रेट लाइंस हैं, जो लेटर्स स्ट्रेट लाइन वाले हैं वो आपको बतानी है। तो कौन सा है, तो क्या आ जाएगा, वी, वी है स्ट्रेट वाला। तो वैसे ही आपको और बताने कवर्ड लाइंस ओनली, जो सिर्फ कवर्ड लाइन हो। तो कौन सा है, इसमें देखते हैं कौन सा है कवर्ड लाइन वाला, सी, बोथ स्ट्रेट लाइंस एंड कवर्ड लाइन, जो दोनों हो, जो स्ट्रेट लाइन भी हो और क्या लाइन हो, कवर्ड लाइन हो। तो क्या है इसमें, डी। इसी प्रकार और दिए हैं लेटर्स आपको, उसको आपको फिलअप करके दिखाना है। फिर देखते हैं इधर, लुक एट द फॉलोइंग कलर्स पैटर्न्स, कंप्लीट द पैटर्न्स बाय कलरिंग द नेक्स्ट वन। आपको जो नेक्स्ट दिया है, यहाँ पे दिया पिंक फिर ग्रीन, पिंक फिर ग्रीन, पिंक फिर क्या आएगा, ग्रीन। तो आपको कौन सा कलर करना है इसमें, ग्रीन। इसमें दिया है ऑरेंज ब्लू, ऑरेंज ब्लू, फिर इसमें क्या आ जाएगा, वो आपको कलर करके दिखाना है, आपका होमवर्क है। अब देखते हैं 4.5 में आपको क्या दिया, कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न्स बाय कलरिंग। आपको जो पैटर्न्स दिए हैं उसको आपको क्या करना है, कलर करना है। जैसे कि यहाँ पे हुआ है ग्रीन फिर पर्पल फिर ग्रीन फिर पर्पल, तो आपको उसी प्रकार से आपको इसको भी कलर करके दिखाना है। इसमें जो ए बी सी डी ई, तो इसको सबको आपको वैसे ही कलर करके आपको दिखाना है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, ड्राइव द मिसिंग लेटर्स मिसिंग शेप्स इन द फॉलोइंग पैटर्न्स। जो पैटर्न्स मिसिंग हैं, जो नहीं दिए हैं, उसको आपको बनाना है फिर कलर करना है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा पैटर्न्स नहीं दिया है, तो यहाँ पे ट्रायंगल नहीं बना है, तो हम इसे ट्रायंगल बनाएंगे। और क्या नहीं बना, ये ट्रायंगल के बाद वाला शेप भी नहीं बना है, तो हम इसको इसके बाद वाला शेप को भी बनाएंगे। ऐसे इसी प्रकार आपको और जो दिए हैं उसको आपको फिलअप करके दिखाना है, आपका होमवर्क है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या दिया आपको 4.6 में, एक्सरसाइज 4.6 में आपको क्या दिया, ऑब्जर्व एंड कलेक्ट द गिवन थिंग्स एंड देन टेस्ट वेदर दे रोल और साइड। आपको जो दिए हुए हैं ए बी सी डी, आपको बताना है कि रोल है या स्लाइड है। तो देखते हैं, ये आपको कह दे इरेजर दिए, इरेजर है रोल होता है कि स्लाइड होता है, तो क्या आएगा, स्लाइड। इसी प्रकार आपको बी दिया है रोल, मैंगो दिया है, मैंगो रोल होता है कि स्लाइड होता है, तो क्या होता है, रोल, राउंड शेप में रहता है ना भाई। आपको फिर सी दिया है पेंसिल, तो पेंसिल रोल होता है कि स्लाइड होता है, तो क्या होता है, रोल होता है, घूमने वाला रहता है ना भाई, घूमता है आपका पेंसिल, जैसे देखिए ये घूम रहा है ना, और क्या है, गोल है ना, तो क्या आ जाएगा, रोल। यहाँ पे दिया फिर कंपास, कंपास में क्या रहता है, रोल रहता है कि स्लाइड रहता है, तो क्या रहता है, स्लाइड। ये हो गया आपका 4.6। ये 4.4 में आपका होमवर्क है और 4.5 में आप बुक में करके दिखाइएगा। थैंक यू।